तो सर 2.5 साल पहले कोच आए थे गांव में, तो उन्होंने क्या बच्चे सारे बुलाए और कबड्डी खेलो। तो ऐसी कबड्डी खेलने लगे, कबड्डी खेलो तो बोले भाई काम करो, तुम्हारे शरीर में दम वम नहीं लग रहा मुझे तो बिल्कुल भी, वो आपके वहीं के जिंद के, राकेश नाम था उनका, गवर्नमेंट कोच थे, कि प्रोटीन रोटीन खाओ सब। मैंने कहा प्रोटीन भी खा लेंगे। अगले दिन गाँव के 7-8 लड़के चले गए सर प्रोटीन लिया है वहाँ से। 8-10 दिन तो प्रोटीन खाया। मैंने कहा प्रोटीन तो खा रहे हैं गुरु जी, ये तो फ्रेश ही नहीं हो जा रहा हूँ, तो जोरी लगा देना है बैठ के वॉशरूम में। के बोले चलो अच्छा, तो एक काम करो उस प्रोटीन में केला डालो, चीकू डालो, एक अंजीर डालो, थोड़ा सा और डालो उसे, फिर देखो क्या मोशन आएगा बढ़िया। पपीता डाल लो मीठी है वो सर, और भारी हो गया। और 10-15 दिन और खाया, वो इतना जबरदस्त कॉन्स्टिपेशन हो गया, बाथरूम में बैठ के 15-15 मिनट तक जोरी लगाते रहो बस। अब सर जोर लगाते रहो, उस दौरान कोई दिक्कत नहीं, उसके 1-2 महीने बाद ऐसे लगा जैसे मान लो एक पॉइंट पे दर्द है, ना तो कोई पस था ना कुछ था, इतना सा पॉइंट उस पे ऐसे दबाने से दर्द हो बस, बनना सर वो स्टार्ट हो गया होगा जब से। अब दर्द रहे तो मैं सर्जन के पास गया सर, वहाँ पास में। तो सर्जन बोले कि भाई एक काम करो मैं चेक करूंगा, मैं चेक करो जी। उन्होंने प्रोक्टोस्कोप डाला, कुछ भी तो नहीं है, बेकार की बहमी तो पालते हो आप एक काम करो लिंजोलिड खा लो, मेट्रोजिल सॉरी, मेट्रोजिल 10 दिन लगी सर, उसने ऐसा जी कर दिया, ना तो कुछ खा सके ना पी सके, बहुत बुरा हाल हो गया। उसके बाद गांठ तो गई बैठे, फिर 15 दिन बाद उभर गई दोबारा से। फिर मैंने पापा से बोली, पापा बोले एक सर्जन और है मेरे जानकार, उनसे बोल दूंगा वहां से ले जाओ। वहां चला गया उन्होंने सर ऑगमेंटिन 625 चला दी, 10 दिन वो भी खाई, गांठ बिल्कुल बैठ गई। 15-20 दिन बाद जैसे घर में खाना वाना बनता, खीर वीर बनी, बाकी की चीजें खाई, फिर दोबारा से होगी वो बाहर नहीं आती, लेकिन वो पॉइंट पे दर्द होने लगे। उसके बाद सर होते होते फिर ये 2.5 साल पहली बात बता रहा हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद ये थोड़ी थोड़ी सी इसका साइज बढ़ने लगा। एक टाइम पे मुझे ऐसा लगा, अभी कोई पिछली साल ही, पिछली से 1.5 साल पहले, कि ये तो थोड़ा सा पस है यहाँ पे। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, बोला जी वो ऐसे ही थोड़ा सा पस हो गया, एब्सेस है, ड्राई आउट ठीक हो जाएगा, फिर एंटीबायोटिक खिला दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर सर मेरा आपके पास आया मैं, आपने बोल दिया कर देंगे, तो मैंने कि थोड़ी देर बाद और करा लूंगा ये से। उसके बाद सर क्या हुआ, एक दिन मैं रात को लेट रहा था, तो मैंने वो गांठ पकड़ ली जैसी दवाई तेज से, तो पस मुझे ऐसे फील हुआ अंदर की तरफ निकल गया है वो, हर पस निकलते आराम मिल जाए इसमें, फिर वो भर जाए, फिर जब फूटे फिर आराम मिल जाए। अभी कोई 4 महीने पहले इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग बन गई, एक्सटर्नल ओपनिंग बन गई। तो फिर मैंने सर एक सर्जन के पास गया मैं दिल्ली, उन्होंने देख के बोला MRI कराओ, MRI करा ली, फिर बोले कि हेड ट्रैक तो छोटा लेकिन थोड़ा फैला हुआ है, एक बार में क्या 2 बार में ठीक कर पाऊंगा, ठीक नहीं हुए तो फिर दोबारा करना पड़ेगा। फिर खुद ही वो बोले मेरे से कि आप एक काम करो झाड़ सूत्र करा लो किसी बढ़िया एक्सपर्ट से, अगर एक रस नहीं चाहते तो आप। तो फिर मैं आपके पास आया सर, यहाँ पर हुआ आप बिल्कुल फिट है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी हो, और तो बस रनिंग भी चल रही है, और ऊपर के पार्टी जिम भी चल रही है, 1-1.5 घंटे ड्राइविंग भी है, ड्राइवर चलाता बैठ जाता हूँ, हर एक साल कम गाड़ी में, और सारी चीजें खा रहा हूँ बिल्कुल फिट है। अभी तो पिछले हफ्ते ही ट्रैक निकला, अभी तो निकला सर पिछले हफ्ते ट्रैक, 17 तारीख निकला था मेरा ट्रैक, तो आज बस दिखाना है आपको, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छी बात है।